हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल पैरी द किन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। बन्नी आज कुछ ज़्यादा शैतानियाँ कर रहा है, देखो दिखाता हूँ। और बन्ने नहर में कूद के शायद, वो देखो, अरे देख रहे हो उसको लग गई गर्मी। अरे अपने साथ साथ जो है मैगी को भी लेके चला जाता है। ज़रा इसके पीछे जो है मैगी भी चली जाती है। अब तो थोड़ा मुझे चिंता लगी रहती है कहीं नहर में ये ना गिर जाए किसी भी। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने डॉग को कैसे रिट्रीव कराया है, इस तरह से लेके आना सिखाएं। अच्छा चलो भाई सिखा इसको। इसको पहले मैगी को दिखाई, मैगी को दिखाई, मैगी को तो ट्रेंड है। अब देखो पहले सबसे पहले उसको बुलाओ, ले लियो स्टिक, दो मुंह में प्यार से पकड़ाओ उसको पहले स्टिक एक बार, ले बनी करेगा देखो उसको आता है। चल फेंक फेंक फेंक, गो ज़्यादा दूर मत फेंक, थोड़ा पास ही फेंक। अरे बन्नी ला रहा है, बन्नी बोतल का दीवाना है, खाली बोतलों का। अगर खाली बोतल इसको मिल जाए तो ये मतलब उसके उसकी समझो त्राइमाम त्राइमाम। और ये बज रही है इनमें लड़ाई। ओ मैगी ले आई भाई, अरे वाह मैगी छीन के ले आई, अरे वाह मैगी तो बहुत बढ़िया लड़की है भाई हमारी। एक बार स्टिक दोबारा छीनो उससे और तो प्यार करो नज़दीक भी ज़्यादा दूर। दोबारा से दो, वो बन्नी से छीन के लिए आई, ये पकड़ा ये बन, ये फिर छीन रहे, फिर छीन रहे देखो। अरे वाह अरे वाह, हमारी मैगी तो बहुत समझदार होगी, मतलब दूसरे दूसरे के माल को हथियाना इससे सीख लो मैगी से। देखो अरे वाह, अभी दोबारा फेंकेंगे मैगी, दोबारा 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 मैगी। चलो अब देखो प्यार कर पे से प्यार कर पे, गो हो गई मैगी, ये पकड़ा और ले लिया। अरे वाह बहुत समझदार है भाई मैगी हमारी। अरे मेरे पास ले आई सर, देखा कितनी जल्दी। गुड भाई, गुड 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 गुड, आज सिखाते हैं। देखो हेलो, देखो चलो। तो ये छोटी सी ट्रेनिंग थी मैगी की, सीख जाएगी बात। बहुत समझदार बच्ची है हमारी, बहुत ही ज़्यादा समझदार है, और गोरी भी इससे ज़्यादा समझदार है। वो मेरी वॉच डॉग काम करती है, मैं बीच वाले फ्लोर में रहते हैं तो उस वक्त कोई अगर अजनबी आ जाए, मतलब अजनबी का मतलब अगर नीचे भी कोई जैसे भी खड़का होगा तो तुरंत भौंकना शुरू कर देगी वो बीच से ही। तो बहुत ही प्यारी है वो भी। अभी देखो उसने ले लिया स्टिक, ना स्टिक लेके ही चल रही है। वो आए डॉक्टर आए उस वैक्सीन के लिए, अब भाई उसे बाहर लेके आए तो हाथ पैर कांप रहे उसके। मैंने ना भाई ये नहीं चलने लगी, उसको लेके आओ उसकी हैबिट नहीं बनेगी भाई ऐसे। हो गए 6 महीने बहुत होते हैं यार। हाँ 5-5.5 महीने की हो गई, लेके आओ। डरती है यार वो, कांप रही ऐसे, कांप रही बिल्कुल, कांप रही। बीच में लेके आएंगे ना, पहले चलने की नहीं ना, वो चल ही नहीं, वो लेके आया था बाहर छोटे वाला भाई। थोड़ा वॉक करा आपको लेके, बस अभी मैं कहा चलो लॉकडाउन खुल जाए तो फिर देखूँ उसको। यार आती नहीं अजनबी के थोड़े से बिल्कुल भी जाने की, बिल्कुल भी जाने की। और बल्कि कल वो डॉक्टर आया था उसके पास जाके कांप रही खड़ी हुई, फिर कल इसका सेकेंड वैक्सीनेशन कराया था ना, पूरा हो गया। अब मैगी आ जाओ मैगी। अरे यार वो हड्डी नहीं है भाई, अभी चल रहे हम थोड़ा वहाँ बैठेंगे आगे जहाँ वो भाई लोग हैं आगे, थोड़ा ये योगा वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर हम घर की तरफ चलेंगे। मैगी में भी जो है नटखटपन है, काफ़ी शरारतपन है, मतलब ये चाहती है कि मुझे कोई अपने पास बुलाए और प्यार करे या घुमाए, मतलब ये चाहती है बस। इतनी एक्टिव है कि चाहती है कि भी, हाँ अभी बाइक निकल जाने दे भाई, भाई बाइक
थोड़ी गई। अरे इसको लेके आना था बुद्धू। अब ढूंढे ही ढूंढे। अरे वाह, समझदार बच्ची हमारी। लाओ की गिर, ला मुझे दो भैया को, दो ला, दो छोड़ दो, छोड़ दो। अरे मैगी छोड़ दो बाबू, चलो ले दोबारा से फिर। तो बनी तू नहीं ले गया, छोड़ ले पिक्चर ले जा रहा कुत्ते, ले जा। अब देखो मैगी कैसे छीन के लाएगी इससे। मिली मिली ना, अब तो अब निभा वो बैठ के कौन जा रहेगा। और ये बन्नी को मिल गई स्टिक और ये बन्नी चबाने लगा। आजा आराम कर ले महारानी, इसको आराम नहीं पसंद है। अरे वाह, मेरी सुन ली खैर इसने इत्तिफाकन। ये भी कभी कभी होता है सो में एक दिन। आज बन्नी शांत है, उसके अंदर का शक्ति शक्ति कपूर नहीं जागा आज। आज वो सो रहा है, इसके अंदर का शक्ति कपूर। माँ बस ऐसे ही लेटे रहो। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया, लेट जाओ लेट जाओ, वहीं लेट जाओ। हाँ लेट जाओ लेट जाओ, यहीं पे लेट जाओ, मैगी यहीं लेट जाओ, लेट जाओ बाबू ना। तो अभी मैंने सुबह कमेंट देखा, कमेंट आ रखा था मुझे, तो उसमें उन्होंने भाई ने मुझे पूछा कि हमारे पास जो फीमेल है उसकी जो मीटिंग, अगर मतलब उन्होंने क्वेश्चन ये था कि हमें कैसे पता चलेगा कि फीमेल जो कितने पप्पी देगी, हमें कैसे पता चले। तो भैया ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम या फर्स्ट टाइम हो या सेकंड टाइम हो कि फीमेल कितने पप्पी दे, ऐसा कभी कंफर्म नहीं हो सकता। स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि एक्सरे मशीन भी झूठ बोल जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये कोई खास ज़रूरी नहीं है। अब मेरी बात करूँ तो मैं जब मैगी को उसे गोरी पैरी को मेट कराया था, तो जब ये लोड हो गई थी तो मैं तो सोच रहा था शायद ये फर्स्ट टाइम 3-4 बच्चे ही देगी, मुश्किल से मुश्किल, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कहा 4 ही बच्चे देगी, लेकिन हुआ क्या, इसने 12 बच्चे दिए। तो ऐसा भी है, तो कोई ज़रूरी नहीं। अब ये वो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि माँ के गर्भ में क्या पल रहा है कुछ कोई नहीं जान सकता। तो फर्स्ट टाइम 1 भी दे सकती है और 12 भी दे सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 देगी या 2 देगी, 4 देगी, 6 देगी, 8 देगी। फर्स्ट टाइम अगर हुआ 1 भी दे सकती है और 12 भी दे सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे नहीं आइडिया लगा सकते कि भाई कितने पप्पी देगी, क्योंकि डॉक्टरों का कहा भी झूठा निकल जाता है। ये मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, शाम में जब वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा डॉक्टर का कहावा झूठा कैसे निकल गया था। मेरे फ्रेंड के अभी करंट की बात है, अभी मुश्किल से मुश्किल 10 दिन हुए होंगे उस बात को, करंट की बात है वो, कि वो डॉक्टर के पास गया था और उसकी कहीं भी बात झूठी निकल गई। देख रहा हूँ मैं, बताऊंगा उसके बारे में भी आपको, ठीक है। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप मुझे कभी भी कमेंट कर लेना, मैं उसका कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई कर दूंगा। और ठीक है, और मेरी जो वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वीडियो के लिंक पड़े हैं। आप जो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पहले आप वीडियो चेक कर लें, सीरियल बाय सीरियल मैंने सभी वीडियो के लिंक दे रखे हैं, आप वीडियो चेक कर लें। अगर नहीं सॉल्यूशन मिला तो आप मुझे मैसेज करें या कॉल कर लेना, ठीक है, मैं उसका तुरंत आपको रिप्लाई करूँगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, शायद किसी भाई का और का भी फ़ायदा हो जाए, क्योंकि अभी फीवर का और पेट ख़राब का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो उस चीज़ में ना आए। और एक भाई ने मुझे और मैसेज किया था कि उसके बारे में वैक्सीनेशन के बारे में कुछ बताए, वो भी मैं बताऊंगा बाद में बताऊंगा अभी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा इतना ही। और हाँ, मैंने सोचा है कुछ अभी, जैसे जिन भाइयों के पास फीमेल है और उनके पप्पी हो रखे हैं, अगर वो पप्पी सेल करना चाहते हैं तो मैं उनका वीडियो जो है अपने चैनल पर डाल दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट,
तो वो मुझको मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा वीडियो के लिए एंड में, आप वहां से मुझे अपने जो वीडियो पप्पी की वीडियो डाल देना, मैं उसको अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है भाई, किसी का फ़ायदा हो जाए तो सच्ची बात क्या है, पप्पी हो सकता है, क्योंकि लॉकडाउन में क्या है, मैं देख रहा हूँ अभी जो मेरे ग्रुप है उसमें क्या हो रहा है भाई साहब, जो 20,000 रुपये के बच्चे हैं वो मात्र 8,000-6,000 में इस तरीके से बिक रहे हैं फिलहाल के टाइम की बात हो, जो 20,000 रुपये के बच्चे हैं। तो आपके पास भी फंसे होंगे वो, तो उनके तो खैर निकल जाएंगे भाई, अगर 6-7-8 हज़ार उनके निकल जाएंगे, लेकिन जो जो बंदा होम ब्रीड कर रहा है, जो मतलब जिसने शौक के लिए पाली हुई है वैसे ही, वो कहाँ देगा। तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मुझे वो वीडियो भेज देना, ठीक है, मैं उसकी जो वीडियो आपके अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो हो सकता है आपको थोड़ा कुछ फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहना, शेयर कर देना, लाइक कमेंट कर शेयर जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फ्रेंड।